वेलकम इन्वेस्टर्स, वेलकम ट्रेडर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 11th May 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम जंप नेटवर्क के स्टॉक को फिर से रीएनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में किस तरीके के नए अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, इसका मंथली जो ट्रेंड है वो डाउन है, वीकली ट्रेंड भी डाउन है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला था ऑन वीकली चार्ट पे, फिर इसने लोअर लो बनाया और आज के डेट में ये 5.75 रुपीज पे खड़ा है। अब चलते हैं हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, हम इस डेली चार्ट पे, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लोअर लो बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब जो लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर हम यहाँ पे बोलिंगर बैंड लगा के चेक करते हैं तो लगभग डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लोअर बोलिंगर बैंड है इसके पास में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं RSI, वो भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं और RSI लगाकर देखेंगे कि RSI में क्या कुछ पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। RSI अभी भी 20 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब फिर से यहाँ पे हमें एक और सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब मैं इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ और अब जो चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने गूगल पे जंप नेटवर्क के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्वार्टरली बेसिस पे चेक किया, क्योंकि बहुत से स्टॉक है उनके क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, लास्ट 3 quarters से जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 rupees या 4 rupees का जो प्राइस है, यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे बाइंग एक्यूमुलेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। बट हम चेक करेंगे यहाँ पे एनुअल, तो यहाँ पे अगर 2020 में देखेंगे जो एक साल का जो फॉल हमें स्टॉक में देखने को मिला, ये आपको जो येलो कलर का एक बार दिख रहा है जो कि डाउन साइड यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये माइनस में चला गया है, -1B में आ चुका है और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फॉल ही फॉल देखने को मिल रहा है। बट नेट रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 169.71% अप है और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम अप देखने को मिल रहा है, कैश इन हैंड देखने को मिल रहा है एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे भी हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट को क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं, सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर हुए फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे EPS यहाँ पे डैश था, कैश इन हैंड नहीं था, नेट इन कैश नहीं था। सेकेंड क्वार्टर में जब हम आए तो यहाँ पे आपको EPS देखने को मिला 193.85 जिसमें ग्रोथ हुआ और यहाँ पे नेट चेंज इन कैश नहीं था और कैश इन हैंड नहीं था। लेकिन थर्ड क्वार्टर में जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर हमें जो EPS है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर के बाद में इस स्टॉक में जंप नेटवर्क में एक्युमुलेशन होगा। लेकिन मेरी फिर भी सलाह ये है कि आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें अगर आप ऑलरेडी इस स्टॉक में अनरियलाइज्ड लॉस फेस कर रहे हैं। जब यहाँ पर कोई पैटर्न्स बनेंगे, इस तरीके के पैटर्न्स बनेंगे कि हाँ ये स्टॉक अब अपसाइड मूव करने के लिए रेडी है, तब मैं फिर से स्टॉक का टेक्निकल एनालाइज करूंगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक को अब स्केल अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये था जंप नेटवर्क का सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for the watching this video.